हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट 5 का टॉपिक ब्लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्लीचिंग प्रोसेस ब्लीचेस का यूज़ करके किया जाता है, जिसे कि हम कपड़ों को धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी के द्वारा हम जैसे धूल मिट्टी गंदगी को हटा सकते हैं, किंतु कई बार कुछ ऐसे दाग धब्बे होते हैं जिनको पानी की मदद से नहीं हटाया जा सकता है, तो उसके लिए हम साबुन या कुछ अपमार्जकों का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी कुछ ऐसे दाग होते हैं जो कि शोधक पदार्थों की मदद से नहीं जाते हैं, तो उनके लिए कुछ अन्य प्रतिकर्मकों या विरंजकों का यूज़ किया जाता है। इन्हें ही ब्लीचेस कहा जाता है। इन ब्लीचेस की माध्यम से जो कपड़े होते हैं उन्हें एकदम सफ़ेद एवं उज्जवल किया बनाया जा सकता है, और कई बार वस्त्रों पर लगे जो अनचाहे रंगों के दाग होते हैं उन्हें भी हटाया जा सकता है। जो वैसे जो हमारी नेचर है, इसमें सूर्य की जो धूप होती है वह सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली विरंजक के रूप में कार्य करती है। तो कई बार कपड़ों के ऊपर ऐसे दाग लग जाते हैं, तो उन्हें अगर हम तेज़ या कड़क धूप में सुखा दें तो उससे वो दाग जो होते हैं वो फेड हो जाते हैं। किंतु आजकल सभी जगह पर धूप की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम इतना इंतज़ार भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए आजकल ब्लीचेस का यूज़ किया जाता है। जो ब्लीचेस होती हैं ये वस्त्र की जैसे मटमेलेपन को, उसकी गंदगी को, पीलेपन या दाग धब्बों को हटाने के लिए, कपड़ों को अशुद्धियों से मुक्त करने के लिए और उन पर सफ़ेदी एवं उज्ज्वलता लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसे यह जो प्रक्रिया होती है इसे विरंजन कहते हैं, और विरंजन प्रक्रिया को करने के लिए कुछ तत्वों या पदार्थों की ज़रूरत होती है, जिसे विरंजक कहा जाता है या ब्लीचिंग एजेंट कहा जाता है। इस प्रकार जो ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकारक विरंजक और अवकारक या अपचयन विरंजक। पहला है ऑक्सीकारक विरंजक। जो ऑक्सीकारक विरंजक होते हैं इनमें ऑक्सीजन मुख्य घटक होता है, जिसके अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। जब प्रतिकर्मक का प्रयोग वस्त्र पर किया जाता है तो प्रतिकर्मक की ऑक्सीजन स्वतंत्र हो जाती है और दाग धब्बों के साथ आकर के मिल जाती है, तथा इससे एक रंगहीन यौगिक बन जाता है। सफ़ेद वस्त्रों के लिए ऑक्सीकारक विरंजक सबसे अच्छी होती है, ये दाग धब्बे भी इससे छूट जाते हैं और साथ ही वस्त्र पर जो सफ़ेदी और उज्ज्वलता आ जाती है। लेकिन रंगीन कपड़ों के लिए यह इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा यदि हम रंगीन वस्त्रों पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उन वस्त्रों का रंग निकल जाएगा। सूर्य का प्रकाश, खुली धूप, हरी घास आदि ऑक्सीकारक विरंजक के रूप में ही कार्य करते हैं, अतः रंगीन वस्त्रों को ज़्यादा देर तक धूप में नहीं सुखाना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो इन वस्त्रों का कलर फेड हो जाता है। जो ऑक्सीकारक विरंजक होते हैं वह भी पुनः पाँच प्रकार के होते हैं। पहली है खुली हवा, सूर्य का प्रकाश, नमी एवं हरी घास। ये सभी पदार्थ विरंजक, प्राकृतिक विरंजक होते हैं, और इनमें दाग धब्बों छुड़ाने की एक अद्भुत विलक्षण क्षमता होती है। आज तो हमारे पास में बहुत सारे केमिकल्स हो गए हैं, लेकिन जो पुराने ज़माने के जो लोग हुआ करते थे वो इन्हीं का यूज़ करके अपने कपड़ों को साफ रखते थे। वस्त्र पर से दाग धब्बे हटाने के लिए, पीलेपन और मटमेलेपन को दूर करने के लिए सूर्य का प्रकाश, ये खुली हवा बहुत ही अच्छा उपाय है। पुराने जो लोग होते थे वो तो घास के ऊपर ही अपने कपड़े सुखा करके रखते थे और सूर्य के प्रकाश में रखते थे, जिससे कि आसानी से और बिना किसी कीमत को चुकाए उनके कपड़े बिल्कुल साफ हो जाते थे। जो खुली हवा में और हरी घास पर गीले वस्त्रों को फैला देते हैं तो जो वायु की ऑक्सीजन होती है वह वस्त्र पर क्रिया करती है और दाग धब्बों के साथ मिलकर उन्हें रंगीन यौगिक के अंदर बदल देती है। जो घास की क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि घास को, पेड़ पौधों की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, जिसे पर्णहरित भी कहा जाता है, जिससे विरंजक की क्रिया बहुत ही शीघ्रता से संपन्न हो जाती है और सारे के सारे दाग धब्बे छूट जाते हैं। ठीक है, सेकंड है सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसे जेवल वाटर भी कहा जाता है और इसका निर्माण हम घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सामग्रियों की ज़रूरत होती है और उसकी कुछ निश्चित मात्रा लेनी होती है, जिसको लेकर के हम विधिपूर्वक जेवल वाटर का निर्माण कर सकते हैं। जैसे इसमें उबलता हुआ पानी चाहिए होता है 0.5 लीटर, ठंडा पानी चाहिए होता है 2 लीटर, धोने वाला सोडा 250 ग्राम और क्लोराइड ऑफ लाइम या चूना जो होता है वह भी चाहिए 250 ग्राम। अब
उबलते हुए पानी के अंदर सबसे पहले धोने वाला सोडा मिला करके एक बर्तन में रख दिया जाता है। इसके पश्चात जो ठंडा जल है उसमें चूना मिला करके उसको 2 से 3 घंटे तक भिगोने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब यह भीग जाता है तो इसमें से स्वच्छ जल जो होता है उसे निथार करके अलग ले लिया जाता है और सोडे के घोल में मिला देते हैं। अब जो जब इसे सोडे के घोल में मिलाया जाता है तो इसके पश्चात कुछ अवक्षेप बनता है जो जो बर्तन होता है उसके तले में बैठ जाता है और जो स्वच्छ जल होता है उसे निथार करके छान करके अलग कर लिया जाता है और इसे एक रंगीन बॉटल में भर दिया जाता है। इसे जेवल वाटर कहा जाता है और इसे हमेशा ठंडे और अंधेरी जगह पर ही स्टोर करके रखना चाहिए क्योंकि प्रकाश की यदि उपस्थिति होती है तो इसका क्षय हो जाता है। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है यह एक तीव्र और प्रभावशाली विरंजक होता है और इसका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। इसे ज़्यादा मात्रा में पानी के साथ मिला करके फिर यूज़ करना चाहिए। इसे सूती और लिनन के कपड़ों पर यूज़ किया जा सकता है लेकिन ऊनी और रेशमी वस्त्रों के ऊपर कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है। अगला है हाइड्रोजन परोक्साइड। हाइड्रोजन परोक्साइड भी एक मृदु विरंजक होता है और यह भी बहुत तीव्र गति से क्रिया करता है। शीघ्रता से जल और जो ऑक्सीजन होती है ना उसको 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। यह ऑक्सीजन विमुक्त होकर के बहुत ही अत्यधिक तरीके से क्रियाशील हो जाती है और क्रिया करती है तथा वस्त्रों के पीलेपन को भी दूर कर देती है। यदि हाइड्रोक्सन परोक्साइड को धोने वाला सोडा या अमोनिया के साथ मिला दिया जाए तो इसकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसका प्रयोग सूती तथा लिनन वस्त्रों पर से दाग धब्बे छुड़ाने के लिए ही उपयुक्त होता है। अतः जो क्षारीय हाइड्रोक्सन परोक्साइड का उपयोग कभी भी ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर नहीं किया जाता है क्योंकि इसके रेशे इससे ख़राब हो जाते हैं। जो हाइड्रोक्सन परोक्साइड से जब ब्लीचिंग की जाती है तो उसके पहले सभी जितने भी धातु से लगे हुए या अलंकृत वस्त्र होते हैं उन सब चीज़ों को अलग कर लेना चाहिए, जैसे कि फैंसी बटन्स होते हैं, ये पिंस लगी हुई होती हैं, कोई ऐसी डिज़ाइन हो जो कि धातु की बनी हुई होती है, उन्हें हटा लेना चाहिए। यदि इन्हें हटाया नहीं जाता है तो इन ब्लीचिंग प्रोसेस के बाद में इन धातुओं से काले काले धब्बे वस्त्र के ऊपर लग जाते हैं जो कि छुड़ाना और भी मुश्किल कार्य हो जाता है। जब हम हाइड्रोक्सन परोक्साइड का यूज़ करते हैं तो इसे प्लास्टिक या लकड़ी के बर्तन में ही इसका यूज़ करना चाहिए क्योंकि धातु के साथ क्रिया करके ये काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं इसलिए। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसमें पसीने, फफूंदी, शाही, मार्किंग शाही, बॉल पेन इत्यादि के जो जटिल दाग धब्बे होते हैं उन्हें आसानी से छुड़ाया जा सकता है। ये दोनों प्रकार जो हमारे प्लांट से और जो एनिमल से मिलने वाले जो फाइबर्स होते हैं उन दोनों के ऊपर इनका यूज़ आसानी से किया जा सकता है और ये बहुत ही ईजी टू यूज़ होती है। 1/2 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट को पानी के अंदर घोल करके एक मिश्रण तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद में जहाँ जहाँ दाग धब्बे लगे उस जगह पर इसको रगड़ दिया जाता है और फिर हम आसानी से दाग धब्बों को छुड़ा सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, कई बार देखो कपड़े जो होते हैं उनके ऊपर भूरापन आ जाता है तो इस भूरापन को दूर करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का या हाइड्रोक्सन परोक्साइड का उपयोग करके वापस से कपड़ों को सफ़ेद और उज्ज्वल बनाया जा सकता है। और लास्ट है इसमें सोडियम परबोरेट। जो सोडियम परबोरेट है वो भी एक प्रभावशाली और शक्तिशाली ऑक्सीकारक विरंजक है। इसमें भी ऑक्सीजन उपस्थित होती है। यदि गर्म पानी के संपर्क में आने से ये जो ऑक्सीजन होती है बहुत ही शीघ्रता से निकल करके दाग धब्बों के साथ मिल जाती है और रंगहीन यौगिक के अंदर बदल करके उन्हें अलग कर देती है। यह जो क्रिया होती है ठंडे पानी में नहीं होती है इसलिए इसे गर्म पानी में ही किया जाता है और ठंडे पानी के उपयोग करने से इसके जो दाग धब्बे होते हैं वह नहीं छूटते हैं। इससे जो वनस्पति और प्राणी दोनों प्रकार के जो रेशे होते हैं उनको ब्लीच किया जा सकता है और जो ऊनी और रेशमी वस्त्र होते हैं उन पर से दाग धब्बे हटाने के लिए इसमें एसिटिक एसिड मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अब है, पहले हमने पढ़ा था जो ऑक्सीकारक विरंजक थे उनके बारे में, अब हम पढ़ेंगे अवकारक विरंजकों के बारे में। अवकारक विरंजकों के प्रयोग से जो वस्त्र पर लगे हुए दाग धब्बे होते हैं उनसे ऑक्सीजन हट जाती है और जब ऑक्सीजन कपड़ों से अलग हो जाती है, दाग धब्बों से अलग हो जाती है तो दाग धब्बे भी निकल जाते हैं और वस्त्र साफ हो जाते हैं। अवकारक विरंजकों का प्रयोग प्राणिज रेशों से निर्मित वस्त्र होते हैं जैसे कि ऊनी है, रेशम है,
इनके लिए किया जा सकता है। जो जांतव रेशे बहुत ही कोमल नाजुक होते हैं, इसलिए ऑक्सीकारक विरंजक बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही तीव्र होते हैं, तो उनको ये सहन नहीं कर पाते हैं तथा इनका नाश हो जाता है। इसलिए इन पर अवकारक विरंजकों का भी उपयोग किया जाता है। अगर कभी हमें इस पर ऑक्सीकारक विरंजकों का यूज़ करना हो तो उसका एक गोल बनाना चाहिए और बहुत ही कम मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। जो अवकारक प्रतिकर्मक होते हैं या विरंजक होते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट, सोडियम बाइसल्फाइड, स्टेनस क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड इत्यादि, ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का यूज़ किया जाता है। जो सोडियम बाइसल्फाइड है, यह एक मृदु प्रकार का लेकिन प्रभावशाली अवकारक विरंजक है। इसका उपयोग ऊनी रेशमी वस्त्रों पर दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है और जांतव रेशों के लिए तो यह बेस्ट होता है, अर्थात एनिमल फाइबर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो सोडियम बाइसल्फाइड है, यह वस्त्र के संपर्क में आकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जिससे कि जो दाग धब्बों की ऑक्सीजन होती है वह हट जाती है, और इसके हटने से धीरे धीरे जो दाग धब्बे होते हैं वह भी हट जाते हैं और वस्त्र साफ हो जाता है। इसके पश्चात कपड़ों को साबुन या फिर डिटर्जेंट से या स्वच्छ पानी से खंगाल करके धो दिया जाता है, परंतु वस्त्र को अधिक देर तक इस विरंजक के अंदर नहीं रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जिससे जो कपड़े होते हैं उनका रंग निकलने का भय रहता है और कपड़े के जो रेशे होते हैं वह भी कमज़ोर हो जाते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। यह अवकारक विरंजक जलहीन पाउडर के रूप में होता है। यह सभी प्रकार के वस्त्रों जैसे ऊनी, रेशमी, रेयॉन, संश्लेषित सूती, लिनन, इन सब के लिए अच्छा होता है। सभी के दाग धब्बों को आसानी से हटाया जा सकता है। वस्त्रों पर से दाग धब्बे हटाने के लिए इसे ठंडे जल या गर्म जल में घोल लिया जाता है और जब इसे दाग धब्बों पर लगाया जाता है तो वह इसकी ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे इसके अन्य तत्व भी विघटित होकर के अलग अलग हो जाते हैं और दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। इनके प्रयोग के पश्चात वस्त्र को साबुन से और साफ पानी से अच्छी तरह खंगाल करके धो लेना चाहिए। वस्त्र पर लगे दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए चाहे जिस भी प्रकार के विरंजक का प्रयोग किया जाए, परंतु इतना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि विरंजकों के यूज़ के बाद वस्त्र को साबुन तथा पानी से भली प्रकार से खंगाल करके धो दिया जाए ताकि इन विरंजकों का प्रभाव नष्ट हो जाए, और इसके पश्चात इसे अच्छी प्रकार से सुखाना चाहिए ताकि धूप से भी इनका प्रभाव कम हो जाता है। यदि विरंजक जो होते हैं वो कपड़ों के अंदर ही रह जाते हैं तो ये कपड़ों के रेशों को कमज़ोर बना देते हैं और जो कपड़े की सर्विसिबिलिटी होती है वह भी कम हो जाती है। इस प्रकार विरंजकों के बारे में हमने पूरा पढ़ा है। ये इस फ्लो चार्ट के द्वारा भी हम इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकारक और अवकारक। जो ऑक्सीकारक है उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्सन परोक्साइड, खुली हवा, धूप, सूर्य का प्रकाश, नमी, हरी घास, पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम परबोरेट, ये पाँचों होते हैं। और अवकारक विरंजक में सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड होते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।